हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोनू कुकिंग बैंक में। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बैंगन को भून लिया है और इसको मैंने पहले से ही कटिंग कर लिया था बीच में थोड़ा सा। कटिंग करने के बाद उसमें लहसुन डाल दिया था, एक एक तीन कटिंग लगाया था मैंने तीनों में लहसुन डालकर, और इसको गैस पर रख दिया था भूनने के बाद। इसको रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैं इसका छिलका निकाल रही हूँ। तो छिलका निकालने के बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें ये ख़राब बैंगन तो नहीं है, क्योंकि हम पहले तो देख नहीं सकते भूनने से पहले। या तो आप कटिंग करके इसको तेल में फ्राई करके भी बना सकते हो। ये कई प्रकार से बनाया जाता है बैंगन का भरता। तो यहाँ पर हम इसको गैस पर भून कर ही ज़्यादातर बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है गाइस। एक बार ज़रूर ट्राई करो आप लोग अपने घर पर बैंगन का भरता इस तरीके के बनाकर। फ्रेंड, भरता वाला बैंगन भी दो प्रकार का मिलता है। ये व्हाइट वाला मैंने लिया है और एक दूसरे कलर का होता है, मतलब बैंगनी कलर का होता है। और जो छोटे वाले बैंगन होते हैं उसका भरता नहीं बनाया जाता, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम बैंगन को भून कर इसके छिलके निकाल लेंगे। फिर छिले हुए बैंगन को हम अलग बर्तन में रखेंगे, इसको बीच से कट लगाएंगे और देखेंगे इसके अंदर कुछ ख़राब तो नहीं है, मतलब ये बैंगन अच्छा है कि ख़राब है। उसके बाद जो भी ख़राब रहेगा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और जहाँ पे ख़राब रहेगा गाइस, वहाँ पे काला काला रहेगा और कड़क रहेगा थोड़ा सा, तो उसको आप कटिंग करके निकाल देना। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे भरते को, बारीक बारीक भरते वाले बैंगन को, और सभी इसी प्रकार से सभी बैंगन को हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैंगन ले लिया है और लहसुन और हरी मिर्ची कटिंग कर लिया है, और मटर लिया है, हरी धनिया है, प्याज है और टमाटर है। तो प्याज मैंने दो लिया है, दो टमाटर लिया है। और उसके बाद हम रख देंगे पैन को गर्म होने के लिए, यानी कढ़ाई को, और इसमें करीब 3 चम्मच तेल डालेंगे बड़े वाले चम्मच से। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा तड़का लगाएंगे। तो इसमें तेज़पात डाला है, फिर मैंने चक्रफूल डाला है, फिर लौंग डाला है, फिर जीरा डाला है यहाँ पे 2 चुटकी, और उसके बाद इसमें मैंने मूंगफली डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे मूंगफली खाई जाती है भरते में और अच्छी भी लगती है टेस्ट, और फ्राई की हुई मूंगफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है भरते में। और इसको थोड़ा सा लाल होने देंगे हम, जब तक मूंगफली लाल ना हो जाए, मूंगफली लहसुन और हरी मिर्ची थोड़ा सा लाल हो जाए, फ्राई हो जाए, तुरंत इसमें हम डालेंगे हरी मटर। हरी मटर जैसे ही फूटने लग जाए वैसे ही इसमें डाल देंगे प्याज, क्योंकि हरी मटर जो है जल्दी से फूटने लगती है गाइस। तो उस पर उसके बाद हम प्याज को जब तक लाल ना हो जाए, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारा भरता है वो। तो पहले इसको लाल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस। तो फ्रेंड, जब तक हमारी प्याज लाल हो रही है तब तक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए गाइस, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी प्याज थोड़ा सा लाल हो गई है, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हमने भरता रखा था वो। बस इसको हम चलाएँगे थोड़ी देर, थोड़ा सा चलाएंगे, मिक्स करेंगे, मतलब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे, थोड़ा सा भाप लग जाए, इसमें भाप बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने पलटे को थोड़ा साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे रखूँगी वहाँ पे फिर लगेगा इधर उधर, तो इसमें ही डाल दे रही हूँ इसकी चीज़ें और इसको ढक दूँगी। तो करीब 2-3 मिनट के लिए मैंने ढका है, जब से भाप बैठ गई वैसे फिर इसको निकाल लिया है, क्योंकि ये जल्दी से पकड़ने लगेगा नीचे, इसलिए। तो इसको चलाना पड़ेगा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना पड़ेगा। तो इसमें नमक ऐड नहीं किया था मैंने, तो अभी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने अभी हल्दी नहीं डाला है, और गाइस मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बस हरी मिर्ची का भरता बना रही हूँ, मैं कोई भी मसाला यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बस डाल दिया है टमाटर भी, और इसके पहले मैंने डाला हल्दी पाउडर, और इसको हम ढककर पकाएंगे करीब 5 मिनट तक। जैसे हमारा टमाटर सॉफ्ट होता है वैसे हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको फिर हम ढक देंगे करीब 2-3 मिनट के लिए, जैसे फिर इसमें भाप लग जाएगी। भाप लगने के बाद हम फिर इसको ओपन करेंगे, इसको थोड़ा चलाएंगे, मतलब मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये है पाव भाजी मिक्सर, तो बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है गाइस, और फ्लिपकार्ट पर भी है, तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो पाव भाजी मिक्सर है, सब्जियों को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको हम इसी से मिक्स कर लेंगे, अगर आप के पास नहीं है तो आप कलछुल की हेल्प ले सकते हो, और उसके बाद इसको सारी सब्जियों को मिक्स कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे बिना मिक्स किए ही खाओगे बनाकर, तब भी अच्छा लगेगा, पर मिक्स करने से क्या होता है भरता, और भरता का मतलब ही होता है सारी चीज़ें मिक्स करना। अगर हम गाँव में बनाते हैं तो हम हाथ से मिक्स करते हैं, चाहे आलू का भरता बनाते हैं तब भी हम मिक्स करके ही बनाते हैं। तो ये मिक्स करने के बाद इसका स्वाद ही चेंज हो जाता है बहुत अच्छे से, और सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है गाइस।
तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाओ। इस तरीके से हम इसको फ्लैट कर देंगे जिससे कि नीचे से अच्छे से चारों तरफ से पक जाए, और इसको ढक देंगे करीब एक दो मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जैसे इसमें भाप बन जाए वैसे हम इसमें हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया डालने के बाद हम इसको फिर मिक्स कर देंगे जिससे कि चारों तरफ हरी धनिया मिक्स हो जाए, चारों तरफ मिल जाए। और इसको हम थोड़ा सा बस, हरी धनिया में डंटी होती है जिससे कि भाप लगानी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी बस। तो फ्रेंड हरी धनिया मिक्स करने के बाद हम इसको फ्लैट करके इस तरीके से रख देंगे जिससे कि क्या होगा चारों तरफ से भाप लग जाएगी, और हमारा भरता हो गया रेडी। गाइस आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीजिए आप लोगों के लिए रखा है हमारा भरता और रोटी और टमाटर, तो खाइए और इन्जॉय करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा सोनू कुकिंग बैंक का, उस लोगो पर आप क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे तीन वीडियो दिख रही होगी, किसी वीडियो पर क्लिक करके आगे की वीडियो को एंजॉय करिए। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।